Live 26. Ab entertainment kabhi bhi kahin bhi. All are very amazing. Obviously, first part was more special and more beautiful. But this one is also very amazing. It came out very amazing. From the trailer, we were not expecting much more. But in reality, it is very nice. It is fun to watch. Acting because Ananya Pandey. She came as a surprising package. All were enjoying. Her role was very, very entertaining. It was more better than Tara, I must say. And she danced really well. And she was looking really pretty. Comparatively less than part one, but it was not boring. It was never a dull moment. Songs are superb. Songs are typical Dharma songs. So we were thoroughly enjoying the movie. मूवी अच्छी लगी. टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग अच्छी थी, फिर अनन्या की अच्छी थी. उसमें जो दूसरी हिरण का जो रोल दिया था, मतलब उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो थी मिया, उसका कैरेक्टर मिया का कैरेक्टर अच्छा था, बट उसको बहुत सेल्फिश वाला रोल दिया था और वो सेल्फिश के जैसे रहती थी. फिर बाद में उसको पता चला कि कौन कैसा है. सो हम लोग को वो लव स्टोरी भी पसंद आई और लास्ट में वो टाइगर श्रॉफ जब विन करता है, इतनी मेहनत करता है, वो इंजर्ड होकर भी उसको लगता है, फिर भी वो खेलता है, तो वो बहुत पसंद है. और कबड्डी हम लोग का फेवरेट गेम है, तो पसंद है, मूवी पसंद है. और जो फर्स्ट पार्ट थी वो ये सेकंड वाली फर्स्ट पार्ट में थोड़ी लव स्टोरी थी और ये पार्ट में थोड़े गेम्स ज़्यादा थे, ओलंपिक ज़्यादा दिखाया है, तो अच्छी थी. स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मूवी. तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो? यस, ऑब्वियसली. और एक्टिंग में अगर डेब्यू किया अभी अनन्या पांडे ने अनन्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनन्या की एक्टिंग बहुत अच्छी है. वो पिक्चर अच्छी है. कंपैरिजन होगा वरुण धवन और टाइगर का? नहीं, ऐसे कंपेयर आप नहीं कर सकते. वो अलग टाइप की पिक्चर थी, ये अलग टाइप की पिक्चर है. सीक्वल है, लेकिन सीक्वल तो सीक्वल की बात नहीं होती है. सीक्वल तो ठीक है, लेकिन ये बाहुबली नहीं है ना. उसकी स्टोरी डिफरेंट थी, इसकी स्टोरी डिफरेंट है. ये कबड्डी बेस्ड है, वो अलग चीज़ थी. बट दिस इज अच्छी बनाई है पिक्चर. कंपैरिजन होगा टाइगर का और वरुण का? क्योंकि नहीं, दोनों अपने मास्टर है दोनों की. अनन्या पांडे और या तारा? अनन्या पांडे इज डन अ गुड जॉब. तारा ने भी अच्छा किया काम, बट अनन्या इज ओवरटेकिंग दैट. क्या खास लगा आपको फिल्म में? स्टोरी लाइन और म्यूजिक और एवरीथिंग इज गुड. देखने लायक पिक्चर है, मतलब एक बार बोर नहीं होंगे सर. डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है? एवरीथिंग क्लीन, वेरी क्लीन मूवी. ठीक है, मुझे ठीक है. म्यूजिक इतना ठीक है, लेकिन ठीक है. सपोर्टिंग कास्ट ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड. बोलते रहो, एवरीथिंग वेरी क्लीन मूवी. 5 में से कितने स्टार दिए? 3.5. थैंक यू सो मच. मुझे काफ़ी एवरेज लगी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन देखी थी तो मज़ा आ गया था. इतना यू नो यू कुड कनेक्ट टू दैट मूवी. दिस मूवी लैक्स सोल. इतना कुछ दिखाने की कोशिश की है, कॉलेज लाइफ दिखाई है, बट कहीं भी यू नो बीच में कॉम्पिटिशन दिखाया है, कबड्डी के मैचेस दिखाए हैं. बट देन अगेन म्यूज़िक बहुत ही एवरेज है विशाल शेखर, अनफॉर्चुनेटली. और जो परफॉर्मेंसेस है वो भी बीच में देखिए ओवरबोर्ड, यू नो इट लुक्स सो फेक. हालांकि वो मूवी में अगर आप कंपेयर करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट जब वो स्क्रीन पे आते थे तो मज़ा आ जाता था. तीनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इसमें केमिस्ट्री भी मिसिंग है. आई थिंक पार्ट वन में सब कुछ अच्छा था. डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक. जो एक रोमांटिक मूवी का सोल होता है, म्यूजिक इतना एवरेज है ये मूवी का. उसमें राधा सॉन्ग इतना हिट हुआ था और भी गाने. और स्क्रीन प्ले इतना ज़रूरी है, कंटेंट, मूवी का कंटेंट बहुत ज़रूरी है. तो ये सब एस्पेक्ट्स में आई थिंक इट फेल्स टू डिलीवर. बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. आप अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को, क्या सीन? मुझे तो दोनों एक ही जैसी लगी.
Yes. और स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले वरुण धवन, ये आलिया भट्ट थी, इस बार जो है राकेश श्रॉफ और अनन्या पांडे दिव्या डेब्यू किया है। तो दो दो हीरोइन तो बहुत ही नई है, लेकिन एक्टिंग ठीक ही है। और दोनों में से सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है तारा सुजारिया। टाइगर की है, ये एक्टिंग कैसी? टाइगर की तो अलग ही बात है, उनका कुछ कहने का ही नहीं, वो तो अपने डांसिंग और स्टेप उनका अलग ही है सब। म्यूजिक की अगर बात की जाए, म्यूजिक ठीक है एकदम। डायरेक्शन डायरेक्शन भी ठीक। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 3 स्टार्स।